शिवपुरी रेड लाइट एरिया से परेशान आसपास के रहवासी मुश्किल हो रहा रहना, घरों के दरवाजों पर करते हैं पेशाब। जिले के देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुराने शिवपुरी रेड लाइट एरिया की वजह से आसपास के लोग परेशान बने हुए हैं। सभी जगह शिकायत करने के बाद भी आज तक समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। पुरानी शिवपुरी राम जानकी मंदिर के पास रहने वाले राजेश शर्मा ने बताया कि कई सालों से यहां निवास करते हैं। रेड लाइट एरिया की वजह से हम लोग परेशान बने हुए हैं। रेड लाइट एरिया में जो लोग भी आते हैं वह अपनी गाड़ी हमारे घर के सामने और मंदिर के सामने खड़ी करके चले जाते हैं और यहां पेशाब भी करते हैं। कई बार लोग हमारे दरवाजे सहित मंदिर की दीवार पर भी बाथरूम करके चले जाते हैं। जब उन्हें मना किया जाता है तो कहते हैं 2 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन घंटों तक उनकी गाड़ी यहाँ खड़ी रहती है। इसके कारण आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी शिकायत हमने कई बार SP थाना प्रभारी सहित 181 पर भी की है, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न ही समस्या का निराकरण हुआ है। रहवासियों ने कहा कि पीछे की साइड 2 मंदिर, राम जानकी मंदिर और शंकर जी का है। लोग वहां पर गाड़ी खड़ के चले जाते हैं, पेशाब करके चले जाते हैं। लोगों ने कहा कि रेड लाइट एरिया यहां से हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जाए या फिर इसको सीमा निर्धारित की जाए। ये लोग आते जाते हैं तो रेड लाइट एरिया में है, लेकिन गाड़ी हमारे सामने खड़ी करके चले जाते हैं, जिससे हम लोग परेशान हो रहे हैं। माता जी आपका? सरोजा। कहाँ रहती हैं आप? राम मंदिर के पास वाला मकान हमारा है। क्या समस्या है? ये रेड लाइन वालियों ने कुत्ते पाल रखे हैं। पालतू कुत्तों को हमारे दरवाजे पर लैटरिंग कराने आते हैं इनके बच्चे। बांध के लाते हैं, बांध के लाके हमारे दरवाजे तोड़ कहते हैं तो जो कहते हैं तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे बाप की। अच्छा, गाली गलौज वगैरह टाइप करते हैं तो आपने शिकायत नहीं की इसकी? दारू पीते हैं, दारू पीते हैं। शिकायत नहीं की? गए थे एक दो बार शिकायत करने, कोई सुनता नहीं है। सुनता नहीं है? अभी हमने फोन पर करी थी 181 पे। अच्छा, कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं, नाम पता है? उन्हीं के रेड लाइन के लड़के हैं। रेड लाइट के ही? हाँ। क्या नाम है आपका? करुणा निवास। कहाँ रहती हैं आप? हम ये राम मंदिर पुराने शिवपुरी। किस क्या समस्या है मोहल्ले वालों की इकट्ठे हुए? तो मंदिर के सामने बाथरूम करते हैं, पहले तो यहाँ आते रेड लाइट एरिया में जी। उसके बाद यहाँ बाथरूम करते हैं। हम लोग बाहर खड़े नहीं हो सकते 2 मिनट, गाड़ी हमारे सामने और एक खड़ी है गाड़ी, और रोज का हम तो कह रहे हैं जहाँ आए हो वहाँ गाड़ी रखो। नहीं, अभी आते हैं 2 मिनट में, अभी आते हैं 2 मिनट में, बस गायब। तो 4-5 घंटे की फुर्सत गाड़ी खड़ी रहती है। तो कोई हरकतें वगैरह भी करते हैं ये लोग? अभी हम लोग से नहीं करते, लेकिन अब रहा चलते लोगों से तो करते ही होंगे ना, बच्चे नहीं निकल पाते घर से बाहर। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की है? यही इन्होंने ही करी है। अच्छा अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं थोड़ा सा निश्चित दायरा हो, उसमें ये लोग रहे, यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं है। इससे पहले वो कभी नहीं आते थे, अब आजकल ज्यादा आने लगे हैं। क्या नाम है दादा आपका? साहिल शर्मा। कहाँ रहते हैं आप? पुरानी शिवपुरी। क्या समस्या है मोहल्ले वालों की? समस्या ये है कि जो रेड लाइट एरिए की वजह से लोग आगे यहाँ आते हैं, वो आगे मोटरसाइकिलें दूसरों को दरवाजों पर रखते हैं, पेशाब करते हैं दूसरे के दरवाजों पर, और हमारे दरवाजों में मोटरसाइकिलें खड़ी कर जाती हैं। उससे हमारे आने जाने वालों को समस्याएं पैदा होती हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले परेशान होते हैं। उत्पादियों का मतलब क्षेत्र बन चुका है ये, कहना है आपका? तो आपने इसके सामने देख लो, ये लोग लगा के धर के जा रहे हैं सामने, जितना जा रहा है इससे पूछ लो आप। तो क्या आपने इसकी शिकायत वगैरह की कहीं? जी की है, कलेक्टर साहब को शिकायत और SP साहब को। क्या हुआ? अभी कोई निराकरण नहीं हुआ। कोई निराकरण नहीं हुआ? तो क्या और किस तरह की समस्या आ रही है मंदिर में? मंदिर है, राम जानकी मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, दो बार हम खड़े होकर अश्लील बातें करते हैं, दारू पीते हैं, नशे करते हैं, बाथरूम करते हैं, पेशाब करने की सबसे बड़ी समस्या है। बहन बेटियाँ निकल रही हैं, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं निकल रहे हैं, लड़कियाँ निकल रही हैं, वो सामने खड़े हैं। वो तो आदमी तो नए नए तरह के आते हैं ना बदमाश किस्म के। क्या चाहते हैं आप मोहल्ले वाले? ये चाहते हैं कि मोहल्ला या तो यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, कहीं भी अलग ले जाके, या फिर वो अपने घरों में बैठ के सब काम करें, सब समस्याएं उधर पैदा करें। एक दायरा निश्चित आमजन को तो परेशानी नहीं हो, बगल में पड़ोसियों को रहने वालों को।